राष्ट्रीय हिंदी दैनिक धरोहर में श्रम ही आधार, सिर्फ खबर से सरोकार। कनाडा से भारत आई 100 साल पहले चोरी हुई मूर्ति 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में की जाएगी स्थापित। मौत के बाद बेकार नहीं होगा आपका डेटा, 5 लोगों को दे सकेंगे आई क्लाउड डेटा की पावर ऑफ अटॉर्नी। कोरोना की 5वीं लहर के मुहाने पर फ्रांस, स्वास्थ्य मंत्री ने चेताया पिछली लहरों से ज्यादा खतरनाक। त्रिपुरा में वकीलों, पत्रकारों और एक्टिविस्ट के खिलाफ UAPA पर जल्द सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अगले कुछ दिन सांस लेना होगा मुश्किल, CSE की रिपोर्ट में बड़ी चेतावनी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत के शानदार प्रदर्शन ने PM की प्रतिबद्धता पर लगाई मुहर। छठ से लौटने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे ने यूपी बिहार से चलाई कई स्पेशल ट्रेनें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर भरा पानी। राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन, PM मोदी और शाह भी हुए शामिल। सुषमा स्वराज से लेकर मैला ढोने वाली उषा चौमार समेत करीब 60 महिलाओं को मिला पद्म पुरस्कार। कोरोना टीकाकरण को तेजी से बढ़ाने के लिए आज राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से बैठक करेंगे मांडविया। PM मोदी ने मौलाना आजाद और आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। नवंबर महीने में ठंड के साथ बढ़ने लगा प्रदूषण का स्तर, यूपी व दिल्ली में जहरीली हुई हवा। पहले आम भारतीयों को मिलेगी ईसाई संत की उपाधि, पोप फ्रांसिस 2022 में घोषित करेंगे संत। तिहाड़ जेल की हालत दयनीय, जेल में हो रही हत्याएं। बंगाल के स्कूलों में समलैंगिक संबंधों पर फिल्म दिखाने की योजना, NCPCR ने मांगा स्पष्टीकरण। अमेरिका की चीन को सख्त चेतावनी, ताइवान पर हुआ हमला तो सहयोगियों संग करेंगे कार्रवाई। रूस के कामचटका में भूकंप, रिक्टर स्केल पर 5.2 रही तीव्रता। इमरान खान को भारी पड़ रही TTP से बातचीत, सरकार की बड़ी मुश्किल। दुनिया के देशों में मची मर्क और फाइजर की कोरोना दवा खरीदने की होड़, अब वैक्सीन नहीं टैबलेट से होगा इलाज। रूस ड्रग्स मामले में लगातार जुड़ते जा रहे नए नाम, नवाब के दामाद ने फडणवीस को भेजा लीगल नोटिस। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले घर घर भाजपा अभियान की हुई शुरुआत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की ट्रेनों से स्पेशल टैग हटाए जाने और बढ़ा हुआ किराया कम करने की घोषणा। पेट्रोल डीजल पर बढ़ी सियासत, हरदीप पुरी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, बताया जेब कतरा। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव बोले, ओम प्रकाश राजभर के जुड़ने से सपा को मिली मजबूती।